सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, ये कफ की विकृति है। तो आप चाहते हैं कि कफ का रोग ना आए, माने वजन ना बढ़े आपका, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ना हो, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ना हो, आंखें हमेशा अच्छी रहें, कान हमेशा अच्छे रहें, तो कान अच्छे रहे, आंख अच्छी रहे, ये सब कफ के संतुलन से होता है। जवान अच्छी रहे, कान अच्छे रहे, आंख अच्छी रहे, वजन ना बढ़े, गला ठीक रहे, बुखार सर्दी खांसी जुकाम ना आए, तो मतलब ये है कफ को संतुलित रखो। और इसका सबसे सिंपल सूत्र है आयुर्वेद में, चीनी मत खाओ, गुड़ खाओ, गुड़, शक्कर छोड़ दो। ये शक्कर सबसे खतरनाक चीज है जो कफ बढ़ाती है। कफ की विकृति का सबसे बड़ा कारण है शक्कर। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भारत में जब से शुगर प्रोडक्शन हुआ तभी से लोग ओवर वेट हुए। हाँ, ये बहुत बड़ी रिसर्च, मैंने इस रिसर्च में 12 साल खराब किया अपना, पूरे डेटा इकट्ठे किए भारत देश के। शुगर प्रोडक्शन जब से इस देश में हुआ और चीनी खाना हमने जब से शुरू किया, ओवरवेट हम तभी से हुए। उसके पहले भारत में कोई ओवरवेट नहीं था, जब तक शुगर नहीं आई थी तब तक ये देश ओवरवेट नहीं था। जब से शुगर आई सब मोटे मोटे हो गए, सबके पेट बाहर निकलना शुरू हो गए। ये सब शुगर का दुष्परिणाम है, शक्कर का दुष्परिणाम। आप पूछोगे क्यों, ये जो शक्कर है ना ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती, और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती वो टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट होती है। और ये शक्कर जब टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट होती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और मोटापा आना शुरू होता है। शक्कर के बारे में सरल बात एक बताता हूं जो आपको समझ में आए जल्दी से। हम खाना खाते हैं लंच में या डिनर में, कितना भी हम खाना खाएं, सपोज हमने 250-300 ग्राम खाना खाया, लगभग इतना ही हम खा पाते हैं। उतना खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाइए, गुड़ 1 ग्राम। तो ये जो 1 ग्राम गुड़ आपने खाया, ये आपके पूरे भोजन को विदिन 4 आवर्स 4 घंटे में 100% डाइजेस्ट करा देगा। थोड़ा सा गुड़ जो है ना बहुत बड़ा पाचक डाइजेस्टर है, बहुत बड़ा गुड़। और आपने जो खाना खाया 250-300 ग्राम, इसके पीछे आधा चम्मच शुगर खा लीजिए, अब ये खाना आपको 8 घंटे तक हजम नहीं होगा शुगर खा ली तो। और जितना भोजन आपने किया है इसकी पूरी एनर्जी 1/2 टी स्पून शुगर को डाइजेस्ट करने में खर्च हो जाएगी। शुगर इतनी खराब मत खाइए। शुगर में सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या है, जो केमिकल शुगर को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सबसे खराब केमिकल एक सल्फर नाम का केमिकल है जिसके बिना कभी भी शुगर बन नहीं सकती। और सल्फर जो है पॉइजन, जहर है। और वैसे भी शुगर इतनी महंगी है, शक्कर इतनी महंगी है, 50 रुपए किलो हो गई है, क्यों आप दिमाग खराब करते हैं उसको खा खा के, बंद करिए। उससे अच्छा गुड़ लाइए, गुड़। और गुड़ तो बाजार में अच्छा है, शुगर से तो सस्ता है। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज मिलती है महाराष्ट्र में, काकवी। काकवी खाइए, आप तो जानते हैं ना काकवी, वो तो सबसे अच्छी। काकवी को चाय में डालिए, काकवी को दूध में डालिए, काकवी का मिठाई बनाइए, लड्डू बनाइए, हलवा बनाइए, शीरा बनाइए, काकवी से सब बनता है। तो या तो गुड़ लाइए नहीं तो काकवी लाइए। और गुड़ जब आप खरीदेंगे बाजार से तो ध्यान से गुड़ खरीदिए, जो ज्यादा व्हाइट कलर का है, सफेद, वो गुड़ मत लाइए, वो निर्मा वॉशिंग पाउडर से बना है, बहुत खराब है। तो कौन सा गुड़ लाएं, जो थोड़ा काला काला दिखता है, गहरे रंग का होता है, डार्क कलर का होता है, लाल लाल दिखता है, दिखने में जो अच्छा नहीं लगता है, वही गुण में क्वालिटी।
मेरा मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी।